हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनश्लाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टास्तपितामिन् भूतले स्वयं रूप कदामियं ददाति स्वप्नान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। चलिए हम जप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी जाप जारी रखिए, जपते रहिए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नाम जपने वाले का कभी बुरा नहीं होगा, भलाई होगा, अवश्य होगा। क्योंकि भगवान का नाम भगवान को भी प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अगर बैठ के भजन नहीं होता है तो चल फिर के कीजिए, पर नींद से जागना होगा। राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
भक्ति भगवान को भी प्रिय है, ईश्वर का नाम ईश्वर को प्रिय है। हमारे शास्त्रों में नाम की महिमा बहुत लिखी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। प्रातः समय मोहन मैया से हंसकर माखन मांगत है, नारद सारत निस दिन शंकर ध्यान लगावत है। सुबह सुबह प्रातः समय उठकर मोहन मैया से माखन मांगने जाते हैं। समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ये लीला देखकर भगवान की। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः समय तो श्री कृष्ण भी जग जाते हैं, ठाकुर जी भी उठ जाते हैं, फिर हम क्यों सोए हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति योग मार्ग अत्यंत सरल है, शुद्ध है और सुगम है। सरल मार्ग है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद।
भक्ति करते समय काल या देश नहीं देखना होता है। काल यानी समय, भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। काल या देश, या ऐसे नहीं कि हम इस देश में भक्ति नहीं कर सकते हैं या उस देश में नहीं कर सकते हैं, हम हर जगह कर सकते हैं, पूरे विश्व में। देश नहीं देखना, हाँ देश नहीं देखना, किसी भी देश में भक्ति कर सकते हैं। कोई अमेरिका में रहे, कोई कनाडा में रहे, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहे, कोई यूरोप में रहे, जो जहाँ रहे वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, जो जहाँ रहे। हम देश नहीं देखेंगे, कौन सा भी देश हो हम भक्ति कर सकते हैं। काल यानी समय, रात्रि में भी महामंत्र जपा जा सकता है, अर्धरात्रि में भी जपा जा सकता है, मिडनाइट में भी कोई भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, जागते रहिए। श्री राधे, 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 राधे गोविंद, राधे गोविंद, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चलिए हम थोड़ा सामूहिक जाप करेंगे, सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट जाप कीजिए, अवश्य कीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए, अपनी माला कंटिन्यू कीजिए। श्री राधे भागवत का श्लोक उच्चारण करेंगे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिम हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे। चलिए चलते हैं आज की कथा की ओर। कल तक तो हमने भागवत पुराण के एक श्लोक पे चर्चा की थी कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा। आपको याद होगा ऐसे श्लोक पे हम रोज चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम भगवत गीता के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, आपको बता दें कि जैसे आज सोमवार है और आज 9 दिसंबर है, परसों बुधवार के दिन 11 दिसंबर एकादशी भी है, मोक्षदा एकादशी, तत्पश्चात गीता जयंती यानी अपीयरेंस डे ऑफ भगवत गीता, जिस दिन भगवत गीता भगवान के मुख से निकली थी वो दिन है। तो ये 3 दिन 9 10 11 दिसंबर तीनों दिन हम क्या करेंगे, हम भगवत गीता की महिमा सुनेंगे कि भगवत गीता क्या है और उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और भगवत गीता कैसे हमको मोटिवेट करती है। याद रखिएगा, भगवत गीता पढ़ना तो है पर पढ़ने से ज़्यादा समझना। कई लोग आपको मिलेंगे कि जो कहेंगे प्रभु जी मैंने अपने जीवन में 100 बार गीता पढ़ी है,
मैं एक बार गीता पूरी करता हूँ, फिर दोबारा फिर पढ़ता हूँ। जब गीता 18 अध्याय पूरे होते हैं फिर मैं पहले अध्याय से शुरू करता हूँ। ऐसे मैंने 100 बार गीता पढ़ी है। मैं रोज़ पाठ करता हूँ, मैं रोज़ पाठ करती हूँ ना। भगवद गीता आपको पढ़नी तो है पर पढ़ने से ज़्यादा हमको समझनी है। श्री राध, गीता समझने का विषय है, गीता समझने का विषय है। पढ़ने से तो पुण्य बहुत है, हम भी मानते हैं, लेकिन समझने से तो फिर ईश्वर की प्राप्ति है। कोई समझे भगवद गीता को और उसको फॉलो करे तब समझ में आएगा कि गीता क्या है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्रम गीतम। एक ही शास्त्र है वो भगवद गीता, जो देवकी के पुत्र ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर, उस तीर्थ स्थल पर भगवान ने उस शास्त्र को कहा है, बोला है। एक ही शास्त्र वो भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एक ही शास्त्र है ये भगवद गीता, जो भगवान के ये वो ग्रंथ है जिसमें सारे शास्त्र पुराण वेदों का निचोड़ है सबका। भगवान के मुख की डायरेक्ट वाणी है, डायरेक्ट। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। शिला प्रभुपाद महाराज जी जब अमेरिका गए थे, उन पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ जाके वहाँ के लोगों को प्रचार किया, उनको कृष्ण डिवोटी बनाया, तो शिला प्रभुपाद महाराज जी अपने साथ 2 शास्त्र लेके गए, एक भगवद गीता, एक भागवत पुराण। हमारे घर में ये दोनों शास्त्र होने चाहिए। भगवद गीता, जो कृष्ण ने कहा वो गीता है, भगवद गीता, जो कृष्ण ने कहा वो भगवद गीता है, जो कृष्ण ने किया वो भागवत पुराण है। ये है श्रीमद् भगवद गीता और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भगवद गीता, भगवान का गीत, जो भगवान ने उस युद्ध स्थल में गीत गाया। हाँ, भगवान ने गीत गाया। ये गीता शब्द का अर्थ क्या, ये गीत से निकला है। भगवान का सॉन्ग गीत है, द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गीत। भगवान ने गीता मतलब वो गीत गाया है, पोएट्री वे में सुनाई है भगवान ने गीता। इसे समझने का पूरा प्रयास करना श्री राधे, पूरा प्रयास। भगवत गीता जो कृष्ण ने कही और अर्जुन को सुनाई, भागवत पुराण यानी भक्तों का पुराण। यहाँ शब्द है भगवत, वहाँ है भागवत। भगवत यानी भगवान का, भागवत यानी भक्तों का। भगवत गीता भगवान का गीत, भागवत पुराण भक्तों का पुराण। वहाँ सब भक्तों की लीलाएं हैं। भगवान की तो लीलाएं हैं पर भगवान ने भी जो लीला की तो भक्तों के साथ, गोपियों के साथ, सखाओं के साथ। श्री राधे, 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 श्री राधे। भगवान मेरे हरि दयालु हैं, मेरे गुरु महाराज कृपालु हैं, मेरी राधा रानी जो कृपालु है कि हम सबों को ये सुबह इतना अवसर सुनने का प्राप्त, यानी इतना अच्छा अवसर मिला है, सुनने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, इतना सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि हम कुछ सुन पा रहे हैं और वो कुछ सुन पा रहे हैं जो हमारे हेतु, हमारे भले और हमारे कल्याण के लिए। राधे श्याम, राधे श्याम। भगवद गीता अर्जुन को सुनाई, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। भागवत पुराण सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। हम पहले भी कह चुके हैं ये विषय। गीता अर्जुन ने सुनी, भागवत पुराण परीक्षित ने सुनी। अर्जुन दादा है तो परीक्षित पोता है। परीक्षित ने भागवत सुनी, ध्यान से सुन। अर्जुन ने गीता सुनी, परीक्षित ने भागवत सुनी, दादा ने गीता सुनी और पोते ने भागवत पुराण सुनी। एक ही फैमिली में गीता और भागवत सुनाई गई।
और आपको पता होगा कि जब भी भागवत पुराण की 7 दिन की कथा होती है ना, तो 7वें दिन पूर्ण आहुति में भगवत गीता पूरी पढ़ी जाती है। ये भी एक नियम है, ये भी एक नियम है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। हाँ राधे शाह, पर उसे समझने का प्रयास करना। भगवत गीता हमको मोटिवेट करती है। आज के जवान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज हैं, जो टीनएजर्स हैं, उनको भगवत गीता सिखाओ। उनको भगवत गीता समझनी होगी कि आखिर कृष्ण गीता में कहना क्या चाहते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप समझिए, अर्जुन जैसा कोई योद्धा नहीं है, लेकिन भरी सभा में वो हिम्मत हार गया है। युद्ध के मैदान उसकी हिम्मत टूट गई है, वो युद्ध लड़ना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे में भगवान कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान दिया, उससे वो अर्जुन उठ के खड़ा हो गया। श्री राधे। आगे भगवत गीता में 18 अध्याय 18 चैप्टर है, 17 नहीं 19 नहीं 18। क्यों? क्योंकि महाभारत की युद्ध 18 दिन चली थी, क्योंकि गीता महाभारत के युद्ध में सुनाई गई। जब भगवान ने गीता सुनाई थी अर्जुन को, तब भगवान ने अर्जुन को ऐसे नहीं कहा था आओ मैं तुमको पहला अध्याय सुनाऊं, अब दूसरा अध्याय सुना, ऐसे नहीं। भगवान तो बताते गए, लेकिन उसको बाद में वेदव्यास मुनि महाराज जी ने उसको अच्छे से मैनेज किया, उसको सेट किया 18 अध्यायों में। वेदव्यास मुनि महाराज जी, क्योंकि वेदव्यास मुनि महाराज जी ने महाभारत ग्रंथ लिखा। आप जानते हैं, यानी वेदव्यास मुनि महाराज जी बताते जा रहे हैं, गणपति बाप्पा लिखते जा रहे हैं, और क्योंकि गीता महाभारत का ही हिस्सा है, पूरे महाभारत ग्रंथ का। आप अभी भी महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें गीता है। हाँ हाँ है बिल्कुल है। आप भगवत गीता जो वेदव्यास मुनि महाराज ने पूरे महाभारत ग्रंथ की रचना की, तो गीता भी उन्होंने रचना की, उन्होंने रचना की भगवत गीता की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक है, गीता में 18 अध्याय है। 18 क्यों? महाभारत की युद्ध 18 दिन चली, एक। दूसरा, महाभारत की युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी। 18 अक्षौणी सेना, 11 कौरवों की तरफ और 7 पांडवों की तरफ। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। हालांकि सेना ज़्यादा दुर्योधन की थी, अपनी सेना ज़्यादा होने के बाद भी दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की नारायणी सेना, जो 1 अक्षौणी सेना थी, वो भी ले ली। टोटल 11 हो गई वहाँ, और यहाँ 7। 11 और 7 18, 18 अक्षौणी सेना थी। श्री राधे, 18 अक्षौणी सेना। तो गीता में 18 अध्याय है, ऐसे संतों का मानना है। गीता में 700 श्लोक है। गीता जिस दिन बताई थी वो संडे का दिन था, तिथि एकादशी की थी, जैसे परसों एकादशी है वही गीता जयंती की तिथि है। आगे सुनिएगा, गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र तीर्थ में सुनाई गई। आज भी वो जगह है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। चले जाइए कुरुक्षेत्र में और जाके उस स्थान के दर्शन कीजिए जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, एक। ठीक, आगे गीता अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं, और अर्जुन के साथ साथ संजय भी सुन रहा है। संजय फिर धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, दुर्योधन के पिता जो नेत्रहीन थे, क्योंकि जो कौरवों के दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, वो नेत्रहीन थे। वो जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है, मैं मुझे कैसे पता चले, मैं तो हस्तिनापुर में बैठा हूँ,
मैं तो उस युद्ध के मैदान में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी आंखें नहीं है। असल में धृतराष्ट्र ने अंदर की आंखें भी बंद रखी थी, वो औलाद के मोह में था। एक बेटे में मोह तो ठीक है, धृतराष्ट्र का 100 के 100 बेटों में मोह था। श्रीराधे, श्रीराध, परसों एकादशी है, ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ धृतराष्ट्र को तो आंखें थी नहीं और माता गांधारी ने भी आंख पे पट्टी बांध दी। जिनको औलाद हो ना, उनको माँ बाप को आंखें खोल लेनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। श्रीराधे। और औलाद पैदा होने के बाद तो इंसान को 4 आंखें रखनी चाहिए, और बच्चे जवान हो जाए ना तो फिर और ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तो क्योंकि गांधारी पतिव्रत नारी थी, वो तो पति की वजह से उसने आंख पे पट्टी बांध दी। गांधारी ने, माता गांधारी ने, वो तो अपने पति को देखा कि जब मेरे पति नहीं देख पा रहे तो उन्होंने भी आंख पे पट्टी बांध दी। पर जो 100 के 100 कौरव थे, वो सब 100 के 100 कौरव, जिसमें खास करके दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, ये सब बहुत, दुर्योधन दुशासन की क्या बात करूं। श्री राधे, श्री राधे, आप सोचो, आप समझो कि उन भाइयों को देखो, उन्होंने देखा कि जब कोई हमें बोलने वाला ही नहीं तो अपनी चला रहे, अपनी चला। पिता नेत्रहीन है, वो पुत्र मोह में है, धृतराष्ट्र, ठीक है, और यहाँ पर दुर्योधन बचपन से जिद्दी और अहंकारी, वो किसी की सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता, क्योंकि दुर्योधन अहंकारी है। अहंकार का मतलब क्या होता है? अहंकार इंसान को बहरा बना देता है। दुर्योधन भैरा बन गया था। भीष्म पितामह ने समझाया, दादा हैं भीष्म पितामह, नहीं सुनी। गुरु द्रोणाचार्य, नहीं सुनी गुरु की भी। श्री राधे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन को किसने नहीं समझाया? उसने किसी की क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अहंकार इंसान को बहरा बना देता। बस अहंकार, घमंड इंसान को बहरा बना देता है, वो किसी की सुनता ही नहीं। मैं किसी की नहीं सुनता, मुझे मत बोला करो, ये अहंकार की निशानी है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अरे भाई, ये तुम्हारे पापा हैं, बड़ों की सुन लिया करो दो बातें, बड़े हैं ना पापा। मैं किसी की नहीं सुनता, यही तो अहंकार है। श्री राधे। धृतराष्ट्र को नेत्र नहीं थे, दुर्योधन को तो कान ही नहीं थे, क्योंकि वो सुनता ही नहीं था। श्री राधे, श्री राधे। अब भगवत गीता कौन सुन रहा है? कि धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मैं हस्तिनापुर में हूँ, मुझे कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है मुझे सब पता होना चाहिए। ये बात धृतराष्ट्र ने वेदव्यास मुनि महाराज से कही। अब वेदव्यास मुनि महाराज के शिष्य हैं संजय, और संजय फिर धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी भी हैं, कृष्ण के भक्त भी हैं। संजय हैं, भले सेक्रेटरी किसके हैं? धृतराष्ट्र के सचिव हैं, ठीक है, सेक्रेटरी साथ में ही रहता है। संजय सेक्रेटरी भले धृतराष्ट्र के हैं, इनके गुरु वेदव्यास जी हैं, और भक्त तो वो कृष्ण के हैं। तो वेदव्यास मुनि ने अपने ही शिष्य संजय को कृपा दृष्टि की, उनको दिव्य दृष्टि दे दी, और ऐसी दृष्टि दी किसको? संजय को, वेदव्यास मुनि ने, श्री राधे। संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि कुरुक्षेत्र मैदान में क्या क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र के स्थली पे क्या क्या चल रहा है, संजय को सब दिख रहा था, सुनाई तो दे रहा था, दिख भी रहा था, और जो जो वहाँ हो रहा है वो उस धृतराष्ट्र को बता रहे हैं जो नेत्रहीन है। इस बीच में जब युद्ध के शंख बजे तो वहाँ भगवद्गीता का ज्ञान शुरू हो गया जो संजय को सुनाई दे रहा है।
और संजय देख भी पा रहे हैं और वही सब वो राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखो यही बातें चल रही है वहां। राधेश्याम, अब आपको यहां एक बात समझनी है, बापू जी समझाते। संजय ने गीता सुनी, ठीक है, किनकी कृपा से? अपने गुरु वेदव्यास मुनि महाराज जी की कृपा से। हमें भी अगर गीता सुननी, समझनी और पढ़नी है तो हमें भी गुरु के आशीर्वाद लेकर ही पढ़नी है और समझनी। राधेश्याम, हमें भी गुरु के द्वारा ही गीता समझनी है। दूसरे अध्याय में यहाँ तक कि अर्जुन ने कहा ना कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैं आपके शरणागत हूँ। दूसरे अध्याय में कहा है अर्जुन ने, कृष्ण को गुरु स्वीकार किया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वैसे तो कृष्ण गुरुओं के भी गुरु हैं। अर्जुन ने कहा मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे अब बताइए मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। श्री राधे, परसों एकादशी है और गीता जयंती भी है, और हमने आपसे कहा है कि भगवत गीता जो आपको आधे शुल्क में दी जाएगी, बस आपको आज कल परसों तक ही आपको ऑर्डर करनी है, भगवत गीता आप तक पहुंचेगी। लेकिन कुछ स्टॉक कम है, जितना भी है हम वितरण कर देंगे ताकि लोग भगवत गीता पढ़े। श्री राधे, श्री राधे, भक्त भगवत गीता पढ़े। श्री राधे, श्री राधे। सॉरी, आज थोड़ा नींद का सुन। हम कल ही उज्जैन से आए हैं, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, भगवान की दया से वहाँ थे। वहाँ प्रचार कार्य था, ब्रह्म मुहूर्त आपको डेली मिल रहा था। श्री राधे। अब हम कुछ दिन नागपुर में ही हैं, फिर जाएंगे भगवान की दया से, गुरु कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से, 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमारी भागवत कथा है बिलासपुर चक्करभाटा में। पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी, ये भगवान की दया से। श्री राधे। जनवरी में एक भगवान की दया से भागवत कथा है गुरु कृपा से, वो भागवत कथा है श्यामा श्याम जू की कृपा से, जनवरी में नागपुर में। पर ये कथा हम लाइव नहीं कर रहे हैं इन दिनों। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जैसे भी वो आगे सूचना दे देंगे आपको। सुनिए, आप ध्यान दीजिए। अब यहां पर गुरु की कृपा से ही संजय ने भगवत गीता सुनी, भगवत गीता सुनी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गुरु की कृपा से ही हम भगवद गीता सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ हाँ, समझ सकते हैं। एक गुरु महाराज जी हैं जो हमको भगवद गीता समझा सकते हैं, एक महात्मा जन हैं जो हमको भगवद गीता समझा सकते हैं। अगर हम गीता लेके पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गीता समझने के लिए गुरु की जरूरत है। श्री राधे, श्री राधे। और गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है और गहरा ग्रंथ है, बिल्कुल गहरा, डीप है, डीप है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। किसी संत ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा गीता, गीता उल्टा करेंगे तागी, तागी। गीता इंसान को त्यागी बना देती है, इंसान के जीवन में त्याग आ जाता है। गीता पढ़ के समझ के इंसान अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करता है, गीता त्याग सिखाती है। अर्जुन का भी तो मोह त्यागा, अर्जुन ने गीता सुन के क्या त्याग दिया? मोह। और मोह अच्छी चीज नहीं है ना। पहले तो अर्जुन अपने कर्तव्य को त्याग रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करनी, सारे मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ूंगा। पहले तो अर्जुन, ध्यान से सुनना, अर्जुन अपने कर्तव्य को त्याग रहा था, पर गीता सुनने के बाद उसने अपने मोह को त्याग दिया और कर्तव्य के लिए अर्जुन खड़ा हो गया और डट के युद्ध किए।
राधेश्याम राधेश्याम। भगवान एक और बात बताऊं, कृष्ण दुर्योधन के पास गए युद्ध से पहले। बहुत समझने वाला विषय है, बहुत समझने वाला विषय है। दो मिनट के लिए कहीं नहीं जाना। श्री राधे, सिट स्ट्रेट, श्री राधे। मैं पानी पी लेता हूँ एक मिनट। श्री राधे, श्री राधे। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि ये युद्ध मत लड़ो, याद है ना आपको। भगवान शांति दूत बन के गए थे और युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। पक्का? ठीक है। युद्ध से पहले दुर्योधन को समझाया और भगवान ने बहुत देर तक दुर्योधन को समझाया, फिर भी नहीं समझा। और कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ी देर समझाया, अर्जुन समझ गया, अर्जुन समझ गया। एक बात बताऊं, किसी गंदे पात्र में हम खीर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। लेकिन कोई साफ सुथरा पात्र हो, खाली पात्र हो, तो उसमें हम खीर डाल सकते हैं। अर्जुन की बुद्धि साफ सुथरी बुद्धि है। अर्जुन की बुद्धि कैसी है? वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाँ सुनना, आप काम की बात समझना। थोड़ी देर के लिए अर्जुन भ्रमित हो गया है कि मैं अपनों को मार के क्या करूं, लेकिन उसकी बुद्धि तो दृढ़ है, धार्मिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि है, खाली बुद्धि है, पवित्र भूमि है, भगवान के समर्पित है वो, और अंदर कोई विकार कचरा नहीं है बुद्धि में। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया वो तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दुर्योधन की बुद्धि में ही कचरा था, अहंकार था, ईर्ष्या थी, जेलसी थी, मैं लड़के रहूंगा, मैं सुई के नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के, पहले युद्ध लड़ेंगे। श्री राधे, ध्यान से सुनना, बहुत समझने वाला विषय। वहां जो दुर्योधन का जो बुद्धि रूपी पात्र था वो गंदा था और पूरा भरा हुआ था पहले से गंदगी से, तो उसमें ज्ञान कैसे जाए? भगवान ने हालांकि उनको नीति भी समझाई, इन्होंने नहीं समझा। दुर्योधन को तो भगवान ये समझाने गए थे कि युद्ध मत करो, और अर्जुन को तो ये समझाया कि करो। देखो भगवान की अब लीला समझना। दुर्योधन को तो समझाने गए कि युद्ध मत करना, मत करो, क्या रखा युद्ध में, निर्दोष मारे जाएंगे, क्या मिलेगा तुमको, 5 गांव दे दो पांडवों को, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो। लेकिन वो नहीं माना। यहां वहां दुर्योधन को कहा युद्ध मत करो, यहां तो अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि युद्ध करो। उसका कारण है दुर्योधन को इसलिए समझाया कि युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, और सही में। लेकिन अगर दुर्योधन को करनी थी वो तैयारी के साथ, अब आ ही गया है, तो फिर अब अर्जुन को समझाया अब तुम क्यों कर्तव्य भूल रहे हो, अब तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि ये सब आतताई है, पापी है, फिर मारो इनको। अगर मेरे समझाने से दुर्योधन अगर समझ जाता तो फिर तो युद्ध ही नहीं होती थी, फिर तो मैं तुम्हें क्यों कहता अर्जुन तुम युद्ध करो, बात टल जाती थी। श्री राधे, समझ रहे हैं, बात टल जाती थी ना, विषय खत्म हो जाता था। दुर्योधन 5 गांव आपको दे देता, हस्तिनापुर का राजपाट रख लेता, फिर मैं तुम्हें क्यों कहता अर्जुन। पर अब दुर्योधन आ ही गया है, और बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो आतताई हैं, पापी हैं, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तो अब अर्जुन, अब जब सब कुछ हो ही गई तैयारी, तो चलो करो फिर, अब क्यों पीछे हट रहे हो, अब तुम भी हथियार उठाओ और उन आतताई और पापियों को मारो। श्री राध, ये भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य सिखाया कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है कि वो पाप का अंत करे, पाप के साथ, अन्याय के साथ युद्ध करें। ये सब अन्याय कर रहे हैं, इन्होंने द्रौपदी के साथ अन्याय किया है अर्जुन। अरे द्रौपदी के साथ, माता द्रौपदी के साथ तो इन्होंने अन्याय किया, लेकिन महाभारत के चलते युद्ध में अभिमन्यु के साथ अन्याय किया,
न्याय किया ही नहीं। तब भगवान ने सोचा अब ये तो अन्याय पे आ गए, ये तो अन्याय कर रहे, निहत्थे अभिमन्यु को, अर्जुन के बेटे को मार दिया। ये अभिमन्यु कृष्ण का भांजा है, सगा मामा है, कृष्ण उनके मामा लगते, और उसको बड़े बुरे तरीके से उसको मारा है, अन्याय करके मारा, अन्याय से मारा। अब भगवान ने कहा ये अब अर्जुन उठाओ हथियार, करो इनके साथ युद्ध। श्री राम, भगवान युद्ध नहीं चाहते थे, सच्ची बता रहा हूं, नहीं पसंद था भगवान को, ना ही माता कुंती को समझ में आ रही थी बात, ना ही पांडवों को अच्छा लग रहा था, एक दुर्योधन के कारण। दुर्योधन को भी समझाने वाले 10 मिले, कर्ण को समझाने वाले मिले, कर्ण को तो भगवान कृष्ण ने भी समझाया था, लेकिन अगर वो सामने वाले हठ पे थे तो भगवान ने कब तुम भी करो। ये मत समझना कि कृष्ण ने उसको लड़ना सिखाया, कृष्ण ने उसको उसका कर्तव्य बताया, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, पीछे मत मुड़ो, पीछे मत मुड़ो, तुम योद्धा हो, अब तुम चलो और इनके साथ युद्ध करो। उत्तिष्ठ परंतपा, ये अर्जुन खड़े हो जाओ और इनके साथ युद्ध करो। दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री राधे, श्री राधे। आपको पता है हमारे जीवन में भी हमको युद्ध करनी होती है। हाँ हाँ, आपको कि हमको किसके साथ युद्ध करनी है, हम किसके साथ युद्ध करें, हमें किसके साथ करनी है, हमें भी अपनी परिस्थितियों के साथ युद्ध करनी है। हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो हालातें हैं, उसके साथ हमको फाइट करना पड़ता है। श्री राधे, फाइट करना पड़ता है श्री राधे। सुबह सुबह में लोग फ़ोन करते हैं, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, चलिए ठीक है, होता है, राधे श्याम। हमें अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ना है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आदमी बीमार होता है, कैसी परिस्थितियां हो जाती है, कभी धन में, पैसे में इंसान पीछे चला जाता है, परिस्थितियां, कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, कभी बेटे सता रहे हैं, कभी बिजनेस नहीं चल रहा, ये भी तो जीवन के उतार चढ़ाव और परिस्थितियां हैं, इसके साथ लड़ना पड़ता है। इसलिए तो भगवद गीता की ज़रूरत है कि हम अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ सकें, अपने हालातों, जो ये जो उतार चढ़ाव वाला जीवन है, ये जो हम उलझनों में उलझे हुए हैं, उससे बाहर कैसे निकलें। गीता हमको परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है, हमारी हालात है। गीता कहती है टूटो मत, गीता जोड़ देती है। अर्जुन को जोड़ दिया था, अर्जुन टूट गया था। श्री राधे, श्री राधे। इंसान टूटे नहीं, अगर वो टूट भी गया ना तो बिखरे नहीं, क्योंकि टूटी हुई चीज जुड़ जाती है, बिखरी हुई चीज नहीं। कांच टूट गया, दो टुकड़े हो गए, चलो जोड़ दो कहीं से भी, लेकिन कांच टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया, बिखर गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। राधे श्याम, परसों एकादशी है, ध्यान में रखना, और उसके बाद भगवद गीता जरूर पढ़ना, एक अध्याय। आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपको, मक्का जरूर करना श्री राधे, जरूर करना श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, है ना? ठीक है, 3 दिन ये भगवद गीता की महिमा चलेगी, आज 9 तारीख, कल 10 तारीख, परसों 11 तारीख, भगवद गीता की महिमा करनी है, महिमा सुननी है हमें, गीता पढ़िए, रीड गीता बिफोर इट्स रेड फॉर यू, इससे पहले कि कोई हमारे लिए गीता पढ़े, जीते जी अपने लिए गीता पढ़ो। गीता हमको परिस्थितियों के साथ लड़ना सिखाती है कि निकलो इन परिस्थितियों से बाहर, क्यों उलझे हो। गीता हमको उलझनों से बाहर निकालती। महात्मा गांधी जी के हाथ में भगवद गीता की पोथी है, वे कहते हैं जब निराशाएं मुझे घूरती है, जब मैं निराश हो जाता हूँ, जीवन में कभी उदास हो जाता हूँ, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ। उस वक्त मुझे भगवद गीता का कोई ना कोई श्लोक
मैं जब खोलता हूँ जो श्लोक मेरे सामने आता है और मैं जो पढ़ता हूँ और जो श्लोक पढ़ता हूँ वो मुझे धैर्य दे देता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक एक श्लोक को समझना है, थोड़ा समय लगेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गुरु कृष्ण राधा रानी जी की कृपा से, श्यामा श्याम जी की कृपा से, थोड़े समय लगेगा कि हम एक एक श्लोक पर, जैसे पहले ऑडियो भेजी थी ना, वीडियो बनाएंगे, 700 श्लोक 700 वीडियो बनेंगे शॉर्ट में, भगवद गीता का एक एक श्लोक उसकी एक्सप्लेनेशन गुरु महाराज कृपा करेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक डॉक्टर था तो डॉक्टर, लेकिन वो भगवद गीता रोज रीड करता था, पढ़ता था, रोज पढ़ता था, और उसे भगवद गीता समझ में आ गई थी, और उसे कुछ रोज पढ़ता तो रोज कुछ समझने के लिए मिलता। एक दिन उसके पास एक पेशेंट आया, उसे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ना नींद नहीं आ रही, रात रात भर जागता रहता, मुझे कोई इससे दवाई दो मैं लेके सो जाऊं। बताते ना स्लीपिंग पिल्स दवाइयाँ। अब डॉक्टर ने उस पेशेंट को भगवद गीता दी, बोला इसको पढ़ो इसको पढ़ो इसको पढ़ोगे ना तुम्हें नींद आएगी। कैसे? क्योंकि इसके पढ़ने से ना तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओ, जो चिंताएं तुमको सोने नहीं देती ना वो चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, और जब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे ना तब तुम खुद ही सो जाओगे। गीता इंसान को रिलैक्स कर देती। हाँ भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है, अरे साधारण वाणी है, भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। गंगा मैया भगवान कृष्ण के चरणों से निकली है और गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए तो कोर्ट अदालत में भी तो गीता की कसम खिलाई जाती है, है ना। कन्या को भी दहेज में गीता देते, भगवत गीता को समझिए, ठीक है। आप भी भगवत गीता पढ़िए, अगर आपके पास गीता नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इन दिनों तो हम आधे शुल्क में गीता दे रहे हैं ताकि आप पढ़ें और समझें। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हम आपको कभी न भूलें कभी न भूलें कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो गीता मैया की जय। हरे कृष्ण।